दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अगर आप इसमें फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आखिर आपको कितना प्रॉफिट होगा, इसी के साथ में आप एससी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं, इसी के साथ में अगर आप कितने समय के लिए यहाँ पर करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, आज की इस वीडियो में हम ये कम्प्लीट जानकारी जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं प्रेम शंकर और आप देख रहे हैं सुनील 2024 चैनल। दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले जो हमारा चैनल था वो था टेक्निकल प्रेम शंकर नाम से, वो चैनल यहां पर डिलीट हो चुका है, ठीक है, किसी कारणवश से, ठीक है। तो प्लीज ये चैनल एकदम बिल्कुल न्यू चैनल है, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ में इस चैनल को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इस चैनल से जुड़ पाए। और इस चैनल पर आपको हमेशा कमाई से ही रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, इसी के साथ में आप इस पर ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि आखिर हम कुछ पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करके और हम किस तरीके से उनका अधिक यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आज की डेट में बात कर लेते हैं, सभी लोगों के जो बैंक खाते हैं वो तो होंगे ही, ठीक है, और बैंक खातों में जो पैसा है वो हम जमा भी करते हैं इसी के साथ में, पर हमें उनका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, ठीक है, क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिन लोगों के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाते हैं तो वो वहां पर एफडी कर सकते हैं। अब एफडी के आखिर इसमें क्या क्या एरिया है और कितने समय के लिए हमें एफडी करना चाहिए और आखिर कितने से कितने समय के लिए करेंगे तो आखिर हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यह है बड़ौदा उत्तर प्रदेश फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। आप यहां से पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, अगर आप 7 दिन से 1 मंथ 15 दिन के लिए यहां पर करते हैं, जैसे कि अगर आप 7 दिन के लिए करते हैं या फिर 15 दिन के लिए करते हैं या फिर 1 मंथ के लिए करते हैं तो आपको इसमें कितना यहां पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आप यहां पर 1 लाख रुपए यहां पर जमा कर देते हैं तो यहां पर 3% से 3.5% तक आपको यहां पर मिल सकता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक एफडी रिटर्न, कहने का मतलब है जो भी बड़ौदा उत्तर प्रदेश की जो भी एफडी यानी कि 2024 में जो भी एफडी होंगी उसका जो भी रिटर्न होगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 मंथ 16 दिन के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो पैसा है हम ज़्यादा समय के लिए रखना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड अलग चीज़ होती है और एफडी अलग होती है। म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क भी हो सकता है पर एफडी में ऐसा नहीं होता है। एफडी किस तरीके से काम करती है सबसे पहले हम वो चीज़ समझ लेते हैं, यानी कि एफडी की फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। एफडी काम करती है जैसे कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है इस समय, ठीक है, कहने का मतलब पैसे की तो आज के ज़माने में सभी को ज़रूरत है, पर अगर आप जो पैसा है वो आप अपने बैंक में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आप डायरेक्ट बैंक में पड़े रहने देते हैं जो भी हैं आपके 1000 या फिर 10000 या फिर 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख, ठीक है, तो उन पर जो आपको इंटरेस्ट रेट है जो ब्याज दर है वो आपको बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। पर ऐसे में अगर आप वही पैसे को बैंक वालों के लिए आप दे देते हैं, ठीक है, और आप उन्हें बता देते हैं कि भाई हमें 7 दिन के लिए या फिर 1 मंथ के लिए या फिर 8 मंथ के लिए 25 दिन के लिए, ठीक है, तो हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है इतने समय तक, ठीक है, तो आप इस पैसे को एफडी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो एफडी में जैसे ही वो बैंक वाले यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं, अब ये निर्भर करता है कि आखिर आपने कितने समय के लिए यहाँ पर एफडी कराई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 मंथ 26 दिन की करा सकते हैं और आप यहाँ पर 11 मंथ 29 दिन की करा सकते हैं, इसी के साथ में आप 11 मंथ 30 दिन की करा सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो होता है जितने आप अधिक समय के लिए कराएंगे उतना ही आपको यहाँ पर अधिक यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि अगर आप 1 साल से 2 साल के लिए कराते हैं, ठीक है, या फिर 2 साल से 11 मंथ के लिए कराते हैं 30 दिन के लिए, तब आपको यहाँ पर मिलेगा 6.5 से 7% तक आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा यहाँ पर जो प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, जो कि देख पा रहे हैं 1 साल के समथिंग यहाँ पर हो जाता है, यानी कि 11 मंथ 30 दिन के लिए। तो कहने का मतलब 1 साल के लिए अगर आप 1 साल के लिए यहाँ पर ये एफडी करते हैं तो आपको 6.65% से लेके 7% आपको 15% तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है, ये इनका कहने का मतलब ये है। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर और अधिक समय के लिए करते हैं, जैसे कि 4 साल 11 मंथ या फिर 9 ईयर, ठीक है, 10 साल की इसमें एक डेट होती है कि आप 10 साल से अधिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर SC से हैं, यानी कि जो आपकी कास्ट वगैरह होती है, तो एक OBC होती है, जनरल वगैरह, ठीक है, या इसी के साथ में SC होती है, तो वहाँ पर आपको कुछ छूट मिल जाती है, ठीक है। अब वो छूट किस तरीके से मिलती है, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड पर ही आपकी जो भी कास्ट होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर कुछ छूट मिलती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट देती है टैक्स में छूट, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बड़ौदा उत्तर प्रदेश FD रिटर्न, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख पर, ठीक है, 2 लाख पर, 3 लाख पर, ठीक है, या फिर 5 लाख पर, वो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पर कैलकुलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आखिर इस समय अभी यहाँ पर कितना यहाँ पर रिटर्न दिया गया है, ठीक है। तो ये जानने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने 1 लाख रुपए की यहाँ पर FD करा देते हैं, तो हम यहां पर रखते हैं जैसे कि 2 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए हम यहां पर रखते हैं, तो कम से कम आप 1 साल के लिए तो रखें, ठीक है, तभी आपको यहां पर प्रॉफिट होगा ज्यादा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मुझे 15 दिन के लिए रखना है, तो आप यहां पर 15 दिन भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर 7 दिन से आप 1 महीने तक यहां पर रुपये रखते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर 3.5% तक का यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए को 2 साल के लिए यहाँ पर रखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने दिया है 6.5, यानी कि 2 साल के लिए आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है 6.5 रुपए, यानी कि 6,500 रुपए हमें मिलेंगे 1 साल पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो, यानी कि जो ब्याज दर होगी वो आपकी होगी यहाँ पर 13,843 रुपए। इसी के साथ में आपके 1 लाख रुपए वो थे, और आपके जो कि इंटरेस्ट रेट है तो वो आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो वो आपकी टोटल रकम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और इस समय जो 2024 का सबसे अच्छा मौका है, जो कि यहां पर अभी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने यहां पर ये ऑफर भी यहां पर लॉन्च कर रखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हालांकि अगर आप 1 साल के लिए कराते हैं, तो आपको यहां पर 11 मंथ 30 दिन के लिए अगर आप कराते हैं, तो 6.65% तक आपको यहां पर मिल सकता है, ठीक है। हालांकि इन्होंने देखा कि मैं जैसे कि यहां पर 1 साल के लिए कर देता हूं अभी, तो देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट है सेम वो यही आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे करवा सकते हैं अगर आप FD करना चाहते हैं। FD जब भी आप कराने जाएंगे, तो वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि FD का एक प्रूफ होता है आपके पास, ठीक है। अगर अचानक से अगर वो प्रूफ है वो खो जाता है, ठीक है, काफी लोगों ने मेरे पास पूछा भी था, इस तरीके के कमेंट आए थे, ठीक है, तो कि अगर वो प्रूफ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा FD का, अगर वो खो जाता है तब क्या होगा। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो खोना नहीं चाहिए, और ऐसे में हो जाता है तो वो आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं पर मारा जाएगा। इसी के साथ में काफी लोगों के सवाल ये भी थे, अगर हमें बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या हम FD को बीच में निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर इसी के साथ में आप चाहें तो FD को ना तोड़े, और इसी के साथ में आप FD के ही ऊपर अगर आप यहाँ पर यानी कि लोन लेना चाहें बैंक से, तो लोन भी आपको मिल जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। तो इस तरीके से आप यहां पर FD कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो भी सवाल थे आपके वो सारे क्लियर हुए होंगे, और फिर भी आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।